हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में सीमा सुरक्षा बल में जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है उसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप रिक्वायरमेंट ओपनिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे, रिक्वायरमेंट आपको ओपनिंग क्लिक करना होगा। नीचे करंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग में आपको देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना होगा, नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना होगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स जो फॉर्म फिल करने की आपकी लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है 6 सितंबर 2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको वैकेंसी कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगी, पे स्केल आपको यहाँ पे फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, एज लिमिट की बात करें 18 से 25 साल इसमें मांगी गई है और इलेक्शन के साथ छूट के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है किस कैटेगरी को कितनी छूट है। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें आपके पास 10+2 पास होना चाहिए, मैंडेटरी है, 12th पास जरूरी है। फ्रेंड्स, और टाइपिंग स्पीड आपके पास, टाइपिंग के नॉलेज आपको होनी चाहिए फ्रेंड्स, जिस पद से आप भर रहे हैं उस पद के लिए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल करें। फॉर्म वीडियो स्टार्ट करने से पहले कैसे फॉर्म फिल करना है, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स आपको अप्लाई हेयर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना होगा, 10th की मार्कशीट पे बेस पे आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देंगे फ्रेंड्स और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, आपका यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल पे रजिस्टर्ड ईमेल पे भेज दिया गया है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओटीपी आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी आपका चूज करना होगा, जो भी आप आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप लगाना चाहते हैं आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आईडी नंबर लिखना होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, अकॉर्डिंग जो आपकी मार्कशीट है उसके आपके आधार पे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, आपको यहाँ पे आयु आपकी काउंट होकर यहाँ पे देखने को मिलेगी, नेशनलिटी इंडियन राष्ट्रीयता देखने को आपको मिली है। यहाँ पे आपको अपना फादर नेम चूज करेंगे, फिर यहाँ पे आपको मदर नेम लिखना होगा। फ्रेंड, मदर नेम लिखने के बाद आपके शरीर पे कोई भी प्रकार का चिन्ह है, मोल है, आप तिल वगैरह है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है तो नो आप मार्क भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके बॉडी पे कोई भी मार्क नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क लिख सकते हैं, अदरवाइज आपके जो भी मार्क है, बॉडी पार्ट पर कट निशान है, आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना लिंक चूज करना होगा, मेल फीमेल, यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस, यदि मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी रिजर्वेशन सेक्शंस, तो आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करना होगा और यहाँ पे आप लोगों को अपनी कैटेगरी यहाँ पे ST SC OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको चूज करनी होगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ST SC OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किस स्टेट से आपका सर्टिफिकेट आपको चुनना, यहाँ पे स्टेट चुनना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे आपको किसके द्वारा ऑथराइज किया गया, इशू किया गया, डिप्टी कलेक्टर या सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तहसीलदार, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। यहाँ पे आपको डेट लिखनी होगी आपका कब इशू किया गया है, इशू डेट आपको यहाँ पे लिखना होगा, जब भी आपका इशू किया है वो आपको डेट लिखनी होगी। फ्रेंड्स, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे कुछ करने को नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स सब कैटेगरी रिजर्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना होगा। फ्रेंड्स, एक्स सर्विस मैन है तो आपको यहाँ पे आपके हिसाब से आपको चूज करना होगा, है तो यस, और यदि डिपार्टमेंटल विभागीय कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे चूज करेंगे, सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। फ्रेंड्स, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको एड्रेस डिटेल्स देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस फिल करेंगे,
यहाँ पे फुल एड्रेस आपको फिल करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपना शहर का विलेज का नाम लिखना होगा और यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन लिखना होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपका कॉरस्पॉन्डेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम इस पे क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, और सेव नहीं है तो आपको मैनुअली यहाँ पे फिल करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यदि आपने एनसीसी सर्ट कर रखा है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, और एनसीसी सर्टिफिकेट डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, आपके पास कौन सा प्रमाण पत्र है उसके बारे में, और नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में लिखनी होगी, आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट मेल के लिए सिर्फ ये फॉर्म है, आपका चेस्ट कितना है आपको यहाँ पे लिखना होगा फ्रेंड्स, चेस्ट का साइज क्या है आपको यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपना वजन फिल करना होगा, यहाँ पे आप अपना वेट फिल करेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन के मिलर कोई केस वगैरह तो नहीं है, आपको यहाँ पे नो करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 10+2 का पहले करेंगे, 10+ सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, यहाँ पे पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको स्टेट अपना फिल करना होगा, और यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम चूज करना होगा फ्रेंड्स, स्टेट बोर्ड इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 12th की डिटेल फिल करनी होगी, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होगा, कब आपने पास किया, पासिंग ईयर यहाँ पे आपको फिल करना होगा, स्टेट आपको अपना यहाँ पे चूज करना होगा, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स स्टेट बोर्ड बीए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्टेट बस चूज करेंगे और ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा गया क्या आप सेवारत हैं, आर यू एम्प्लॉई हैं, तो आपको यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो करना होगा फ्रेंड्स, और सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अपना फोटो सिग्नेचर 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना फोटो जेपीजी फाइल में अपलोड करेंगे, आपको जेपीजी फाइल में अपना फोटो अपलोड करना होगा, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपको अपने 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, जो भी डिटेल्स वगैरह अटैचमेंट हमने केयरफुली और सारी चीज़ चेक करने के बाद अपलोड किए हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शंस, जो केयरफुली आपको रीड करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज करना होगा फ्रेंड्स। आपकी प्रोफाइल 100% हो गई है, अब अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना होगा, अप्लाई हेयर पे आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा गया है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको वो पोस्ट मिनिस्टर के एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपको चूज करनी होगी। इसमें पूछा गया आप 10+2 आपने इंटरमीडिएट पास किए, यस आपको करना होगा, और यहाँ पे आपके टाइपिंग नॉलेज आपको है और आपको यस ही करना होगा, आपको आनी चाहिए फ्रेंड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा गया है फिजिकल कैटेगरी आपकी जो क्या है स्टैंडर्ड, जो आपसे यहाँ से पूछा गया जनरल है तो ऑल कैसे कैटेगरी एक्सपेक्टेड, तो आपको यहाँ पे करना होगा। हाइट और वेट हमने 12 दिया था, यहाँ पे आपको देखने को पहले से ही मिलेगा फ्रेंड्स। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपका अपना फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा, यहाँ पे आपको फॉर्म देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपना पैलेस डालेंगे, यहाँ पे आपको अपना सेंटर डालेंगे, आप सेंटर के परफॉर्मेंस क्या डालना चाहते हैं, आपको अपना सेंटर यहाँ पे डालना होगा फ्रेंड्स, जो भी आप रखना चाहते हैं वो सेंटर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं जोधपुर राजस्थान है का हूँ तो राजस्थान चूज करने वाला हूँ। अब उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, केयरफुली इससे पहले पेमेंट करने से पहले एक बार आप चेक कर लें आपने कोई डिटेल वगैरह रिव्यू करके कोई मिस्टेक तो नहीं किया, अपने डॉक्यूमेंट्स आईडी वगैरह जो भी डिटेल्स है सारी को रिव्यू कर लेंगे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। एक्सेप्ट
एंड एग्री ऑन पे पे क्लिक करेंगे आप, जैसे एग्री ऑन पे पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जिसके वॉलेट के थ्रू, पेटीएम के थ्रू। तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर, यहाँ पे एक्सपायरी डेट, यहाँ पे ईयर और सीवी भी डालेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा और फॉर्म ओपन हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे, सक्सेसफुली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो अब बात करेंगे हम सिलेबस और फिजिकल स्टैंडर्ड की, जो आपका रहने वाला है। इसमें जो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 होनी चाहिए। रिलेक्शन के बाद जो इन कैटेगरी इन स्टेट से आते हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर मेल के लिए, 150 फीमेल के लिए होना चाहिए। और फ्रेंड बिलोंग टू शेड्यूल ट्रिब्यूट कैटेगरी से जो कैंडिडेट आते हैं उनके 165.2 मेल के लिए, 150 फीमेल के लिए। चेस्ट की बात करते हैं, जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, फुला 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 76 और 81 होना चाहिए। वेट की बात करते हैं, एज पर एज और हाइट और एज के हिसाब से आपका एज किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको आईज वगैरह का टैटू वगैरह आपके नहीं होने चाहिए शरीर पे, यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। सेलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, फर्स्ट फेज आपका एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जाम होगा। सेकंड फेज में आपका फिजिकल मेजरमेंट, शॉर्ट एंड टाइपिंग फॉर स्टेनोटाइप, स्टेनो के लिए टाइपिंग स्पीड हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, फिर मेडिकल होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो रिटन का आपका सिलेबस की बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क का आएगा, जनरल इंटेलिजेंट 20 मार्क का आपको देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपको 20 मार्क का, क्रिमिकलर एप्टीट्यूड 20 मार्क का, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क के, टोटल 100 मार्क का आपको पेपर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें जो आप रिटन टेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एस ए एस आई स्टेनो और उसके लिए एप पे आपको देखने को मिले, ओएमआर बेस आपका एग्जाम होता है, मल्टी चॉइस आपके क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। बूथ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं नीचे अब चलते हैं, टाइपिंग वगैरह के यहाँ पे दी गई है, इस पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। फॉर्म फिल कैसे करना है उसके बारे में हम बता ही चुके हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहने वाली है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, सू बाकी के लिए इसमें शून्य आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। रिक्वायरमेंट सेंटर्स आपको यहाँ पे दिया गया है, एक बार आपको फॉर्म फिल करने से पहले केयरफुली नोटिफिकेशंस को रीड करना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।